ये मेरे बॉम्ब शूज, एंड व्हेन यू हैव बॉम्ब शूज यू हैव टू कैरी बॉम्ब बैग्स एंड यू शुड हैव अ बॉम्ब एस. क्या क्या है? So hey guys, what up everybody? It's your boy Danny Z and back again with a new vlog, baby. So wahi. Okay, so guys, फिलहाल हम लोग दो रूम दो तीन से एसी होटल में रुके हैं. भाई तो भाई इतना पावर में कौन सा करोटा है मैं. So guys, भाई तो भाई हम लोग दो दिन से फिलहाल इसी होटल रूम में रुके हुए बिकॉज कंटिन्यूसली हम लोग का एक वीडियो शूट चल रहा था. तो हम लोग बिना थके हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे थे दो दिन से. हम लोगों को एक क्लोथिंग लाइन के लिए फ़ोटोशूट करना था एंड दो तीन ब्रांड्स के लिए वीडियो शूट करना था. तो बहुत ज़्यादा बिजी था ये दो दिन, बट मज़ा आया डूड. ऐसा मज़ा आता है ऐसा काम करने के लिए. सो गाइस आज का दिन हमारा पता नहीं कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा. बट जैसा भी जाएगा बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. बिकॉज मेरी अभी शाम की मीटिंग है, उसके पहले मैं सोचा कि आज मैं सोचा तो मैं आराम करूँगा, बट मैंने सोचा कि नहीं मुझे ब्लॉग करना चाहिए बिकॉज मैं तुम लोगों को वीडियोस तो देते रहूँगा कंटिन्यूसली, बट जो ब्लॉग में मज़ा आता है वैसा वीडियो से मज़ा नहीं आता. तो मैंने सोचा कि ना आज के दिन हम लोग ब्लॉग कर लेते हैं, जितना टाइम बचा उतना टाइम के अंदर तो करना चाहिए ना ब्लॉग. सो भाई तो गाइस जैसे लोग देख सकते हो इग्नोर करो रूम, तुम लोग बताया हमेशा से रूम हम लोग का गंदा ही होता है. ओके सो गाइस मुझे पता नहीं मैं ब्लॉग कब ड्रॉप करूँगा कब नहीं ड्रॉप करूँगा, बट गाइस जब आज सुबह मैं सोकर उठा ना सबसे पहली चीज़ जो मैंने इंटरनेट पे देखी वो ये था कि XXX टेंटेशन को किसी ने मार दिया, शॉट किया डूड मायामी फ्लोरिडा मायामी में, राइट. सो भाई डूड जिसको नहीं पता XXX टेंटेशन कौन है, तो डूड एक रैपर है, एक क्रिमिनल रैपर है. वो एक रैपर है जो कि बहुत अच्छा रैपर भी है और एक मेलोडी सिंगर भी था एंड बहुत अच्छा आर्टिस्ट था डूड, मेरा फेवरेट था. वो सिर्फ 20 साल की उम्र का था एंड 20 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था. ऑलराइट सो गाइस सब अपनी जगह सही. सबसे पहली चीज़ हम करेंगे तो हम जाते हैं वॉशरूम में, सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ. तो चलो मेरे साथ. शावर लेने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है ठंडे पानी से अपना फेस वॉश. उसके बाद सेकंड चीज जिलेट. ताकि मैं जिलेट इसलिए यूज कर रहा हूँ कॉज मुझे मीटिंग में आना है एंड मैं चाहता हूँ मेरा फेस क्लीन दिखे हमेशा की तरह. सो गाइस आज सबसे पहली चीज हम करने वाले हैं, मेरे पास बहुत सारी जैकेट अवेलेबल है यदि तुम देख सकते हो. सो कौन सा पहनूं? बाय द वे मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो की है सारे जैकेट्स के ऊपर, तुम देख सकते हो.
डूड ये सारे जैकेट बहुत ही बॉम्ब है, सारे बॉम्बो जैकेट्स बहुत ही बॉम्ब है डूड। सो गाइस मैंने जैकेट्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो की है, तुम लोग थोड़ा वेट करो इस वीडियो आने का, और पता नहीं वो वीडियो में शायद पहले भी ड्रॉप कर दूँ, मुझे अप्रूवल मिल जाए, या बाद में भी ड्रॉप कर दूँ, बट देखते हैं वो अभी ब्रांड के ऊपर है। एंड आई होप ये वीडियो तुम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो वही तो मुझे ये तो नहीं पहनना है, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। ऑलराइट सो गाइस मैंने डिसाइड किया है मैं ये वाला हुडी पहनूंगा, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट हुडी है, आई मीन मेरे नए कपड़ों में, एंड मैंने ऐसे पहली बार पहन रहा हूँ, एंड ये मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी गाइस ये हुडी बहुत ही सेक्सी, आई मीन ओके सो गाइस बात बात के चक्कर में वो एक चीज़ बताना बिल्कुल भी भूल गया, आई मीन मैंने तुम लोगों को होटल का व्यू नहीं बताया डूड, कितना बॉम्ब है। एंड रात में पता है कैसे दिखता है, सारी गाड़ियों की हेडलाइट चालू होती है, एंड वो लोग बहुत फास्ट फास्ट यहाँ से वहाँ हाईवे पे जाते हैं, एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से वहाँ ऐसी फास्ट फास्ट कार जाती है, टाइम लग सकता है हम रात के टाइम पे लेंगे तो डूड वो बहुत ही बॉम्ब होगा, आई मीन तुम लोग माने मत मानो रात के टाइम पे ये व्यू बहुत ही बॉम्ब आता है डूड, बहुत सेक्सी लगता है। एंड बाय द वे ये होटल के अंदर अच्छा स्विमिंग पूल भी है, बट इसको जाना है स्विमिंग पूल में, हमें तो व्लॉग बनाना है। सो वही ऑलराइट सो गाइस मुझे तुम लोगों से भी कुछ बात करनी है। गाइस जो कोई भी बंदा अगर मेरा वीडियो देख रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई हो या मेरे व्यूअर्स में से कोई हो जो कि सोनी में काम करता हो, तो गाइस मुझे 85mm एंड 55mm का लेंस चाहिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ बाय करने के लिए। तो जो कोई भी होगा सोनी में काम करता होगा डूड, मेरा यहाँ पर मेल आई डी दिया हुआ है danizen@gmail.com, तुम लोग मुझे डायरेक्टली हिट कर सकते हो, नो स्पैम जो भी रियल है बिकॉज मेरा मेल आई डी मैं नहीं चेक करता, मेरा मेल आई डी को और चेक करता है। सो गाइस जो जो सच में है जो काम करता है, तो मैं नीड में हूँ, तो मेरा मेल आई डी यहाँ पर दिया हुआ है danizen@gmail.com, तुम जाकर वहाँ पर मुझे मेल कर सकते हो, एंड मेरी टीम उन लोग को हिट करेगी, बिकॉज मुझे अभी लेंस की ज़रूरत है, बिकॉज अच्छी क्वालिटी के लिए मुझे अच्छा लेंस चाहिए ताकि मैं तुम लोग को और अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। सो वही ऑलराइट सो गाइस सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है अभी वो है तो पैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जो हमारे जाने का वक्त आ गया, तो एक एक करके हम सारे कपड़े पैक करने हैं। जो चीज सबसे ज्यादा जान पर आती है सब होने के बाद वो है कपड़ों की पैकिंग रूट, जो कि बिल्कुल भी नहीं जमती, वो ये चीज भारी पड़ती है डूड, आई मीन इन्हें पहनने बहुत मजा आता है, इन्हें उतारो देन इन्हें ऐसे ऐसे अच्छे से फोल्ड करके रखो, जैकेट बॉम्ब है। सो वही ऑलराइट सो गाइस सबसे पहले मैं तुम लोग एक बात बता दूं, जैसे कि तुम लोग देख रहे मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट होते हैं, बट मेरे व्लॉग्स जितने भी आते हैं सब बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, पहले के मुकाबले मेरे व्लॉग्स का क्वालिटी वगैरह बेहतर है, ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कि पहले के मुकाबले मेरे व्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं, बट मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट होते हैं बिकॉज डूड ये प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल मैं कुछ ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, एंड और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो कंटिन्यूसली कभी दिन ऐसा होता है मैं दिन में दो वीडियो भी शूट करता हूँ, बट वो वीडियो का तो अप्रूवल नहीं आएगा, वीडियो हम लोग नहीं ड्रॉप कर सकते, तो वही गाइस तो ऐसा रहता है, बट तुम लोग थोड़ा वेट करो एक बार मुझे सारी चीज़ों से फ्री हो जाए, एंड देन उसके बाद हमारे ब्लॉग्स पे ब्लॉग आएंगे, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आई मीन अभी तो डूड हमने ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया है, अब ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे फिर से पहले की तरह, एंड हम लोग पता है ट्रैवल ब्लॉग्स कैसे होते हैं। और जैसे तुम देख सकते हो हम लोग की पैकिंग तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है, ये सारे कपड़े जो अभी मुझे रखने हैं, इतने सारे कपड़े हाँ यहाँ पे दो बैग थे डूड, मैंने फालतू में इसको एक बैग में दो दो डाल दिया, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है। और राइट सो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैंने कहा था हम लोग यहाँ पर एक शूट के लाया, तो ये सारी चीज़ें उसी शूट से रिलेटेड है, हर चीज़ है ये पूरे सारे कपड़े जैकेट बॉम्बो जैकेट वगैरह जो कि सारे के सारे मेरे, समझे तुम लोग। सो वही एंड कपड़े तो सारे पैक हो गए, और राइट सो जैसे तुम लोग देख सकते हो फिलहाल सारे कपड़े पैक हो चुके हैं, एंड जो बच्चे पैक करने के लिए वो है ये मेरे बॉम्ब शूज, एंड व्हेन यू हैव बॉम्ब शूज यू हैव टू कैरी बॉम्ब बैग्स एंड यू शुड हैव अ बॉम्ब एस या ये रैप बेबी रैप आई एम रैपर बेबी आई एम रैपर यू नो।
ओके सो गाइस, सबसे पहली बात मैं एक चीज बताऊं, हम लोग यहाँ पर दो दिन से रुके डूड, बट मुझे ये चीज नहीं पता कि ये टीवी ऑन कैसे होता है। भाई जब टीवी देखता हूँ सारी चीज तो हम फोन में करते हैं, बट सच्ची में मुझे नहीं पता है टीवी ऑन कैसे होता है। ऑन करने का ट्राई करते हैं, कुछ तो करेंगे डूड के साथ। सो कहाँ से ऑन होता है शुभम में? ऑन तो हो गया ये। आपका मोटा पेट होगा फ्लैट बेल्ट के साथ, जो आपके पेट के मोटापे को सिर्फ 10 सेकंड्स में कम करेगा। जी हाँ, आपने 10 सेकंड में सुना, सिर्फ 10 कम करेगा। तो आज आप मोटे से पतले होने का सफर तय करेंगे, मोटे से पतले होने का सफर तय करेंगे। स्लिम बेल्ट के साथ, जी आप ये मोटा पेट दो से सीखेगा और इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप पतले और फिट रहेंगे। ये आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। हाँ हो गया, ये हमारे बस का नहीं, इधर हमारे बस का नहीं है। सो वही तो गाइस, अभी हमारे पास लास्ट 15 मिनट बचे हैं, इसके अंदर मैं पैकिंग करके निकलना पड़ेगा एंड मुझे अपने बाल सेट भी करने हैं। भाई साहब तुम लोगों को बता दो, मैं हेयर कैसे सेट करता हूँ। तो ये भी तुमने देख लीजिए, आज ये हमारा मतलब होटल का भाप देने वाला अजीब सा वो हेयर ड्रायर एंड बाद में हमारे पास राउंड ब्रश तो नहीं है, तो राउंड ब्रश नहीं तो भी चलेगा, हम कंघे से कर लेंगे। तो राउंड ब्रश की तरह हम इसे यूज करेंगे, तुम देख सकते हो। ऐसे ऐसे अपने बाल पकड़ूंगा, थोड़ा उल्टा करके बस अपने बालों को ऐसा पकड़ूंगा, थोड़ा उल्टा करके बस कोज हम जितने अच्छे बन जाएंगे उतना अच्छा हमें लोग अप्रोच करेंगे, अगर हम गंदे संदे दिखेंगे तो लोग हमें नहीं अप्रोच करेंगे। तुम देख सकते हो ना, हल्का सा ब्लोड रहा है कि अपने बालों को, यानी कितने अच्छे दिख रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइस मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर गया था एंड बाहर इतनी गर्मी आ रही है, तो देख सकते हो डूड बाहर लावे फूट रहा है, डूड। तो मैंने ये हुडी फिर से उतार दी, मुझे व्हाइट टी शर्ट में गया ना, व्हाइट टी शर्ट पर धूप कम लगती है, इसलिए मुझे पता है, मुझे किसी ने कहा था व्हाइट टी शर्ट के ऊपर धूप कम लगती है। मैं आई मीन स्कूल में पढ़ाया गया था कि क्रिकेट खेलते टाइम में व्हाइट कपड़े पहन के लोग क्रिकेट खेलते हैं। सो भाई फिलहाल पूरी पैकिंग हो चुकी है, अभी मैं आना नीचे, सो हम चलते चले, सो चलते, सो पूरी पैकिंग हुई है, मैं आना नीचे चलते हैं, देखते हैं। सो भाई ऑलराइट, सो गाइस जैसे तुम देख सकते हो कि सारे बैग पैक हो चुके हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी नीचे आने का वक्त आ गया, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, उसके बाद मुझे बाहर जाने के लिए निकलना है। सो अब जो मैंने म्यूजिकली बनाया वो तुम लोग अभी देख लो, मैंने कौन सा म्यूजिकली बनाया। सो गाइस आई होप तुम लोगों को म्यूजिकली पसंद आया होगा एंड मेरे ऐसी भी और बहुत से बॉम्ब म्यूजिकली, अगर तुम मुझे म्यूजिकली पे नहीं फॉलो करते हो जाके करो। मेरा यूजर आईडी जो भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, दानी जैन करके एक ही है म्यूजिकली पे। ऑलराइट, सो गाइस आज के लिए छोटा सा व्लॉग था, अगर तुम लोगों ने अभी तक फैम ब्रा आर्मी ज्वाइन नहीं किया तो तुम लोग क्या कर क्या रहे हो डूड, फैम ब्रा आर्मी ज्वाइन करो एंड हमारे साथ ये व्लॉग से सफर ज्वाइन करो एंड और भी मजा करेंगे। सो गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू गाइस डिड मेक श्योर सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, जाओ डूड सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। सो वही, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो बेबी, बाय।